सर्चिंग डिवाइन, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको लिया था मैंने पहले भी। जी हेलो बोलिए। मैम. हेलो जी जी हेलो, बोलिए, मेरी आवाज़ आ क्या रही कहना चाहेंगे? जी आ रही है आपकी है? आवाज़ आवाज। है. अच्छा, तो मैं आपको, एक आवाज़ आ रही है? अच्छा, जी तो मैंने अभी थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे एक बंदा मिला प्रहलाद जानी करके. आप चाहें तो उसके बारे में सर्च कर सकते हैं दूसरे विंडो में. तो जो प्रहलाद जानी है, उन्होंने कई सालों से कुछ नहीं खाया, आराम 60 साल से, ना खाना ना पानी. उन पे कई हॉस्पिटल्स में रिसर्च भी हुई है. एक 40 दिन की रिसर्च हुई थी, एक 15 दिन की रिसर्च हुई थी. क्वारंटाइन में रखा था कैमरे में, ना उन्होंने खाना खाया, ना पीने गए, ना वॉशरूम करने गए. वो कहते हैं कि उनकी गॉडेस उन्हें पावर देती हैं, खाना देती हैं, तो उन्हें खाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने 60 साल से कुछ नहीं खाया. तो जब उन पर रिसर्च हुई, तो जब 15 दिन के बाद उन पर रिसर्च के जब चेकअप हुआ, तो ना उनका 1 ग्राम वजन बढ़ा, ना कम हुआ, ना उनको कोई न्यूट्रिशन की कमी थी. 15 दिन ना खाया ना पिया, फिर भी क्या नाम जिंदा है? है. चार प्रकाश जानी, प्रहलाद प्रकाश प्रहलाद जानी, प्रहलाद. PAR प्रहलाद जानी। अच्छा, हाँ बहुत लाखों में फॉलोवर हैं इनके. तो अच्छा। तो आपका मुझे पॉइंट जानना क्या है है? कैसे हो सकता है. अच्छा, मुझे नहीं पता, इट्स अ मिरेकल। मुझे क्या पता यार, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। वो तो साइंटिस्ट से पूछे ना आपकी क्या सो है। साइंटिस्ट भी तो नहीं बता पाए. साइंटिस्ट तो हैरान है ना. अल जीरीज़ा जैसे मुस्लिम चैनल ने भी इनको कवर किया है, इनकी वीडियोस को. अच्छा वाह, इट्स अ मिरेकल। मुझे नहीं पता ये क्या है भाई। हमें को तो इतना पता है कि हमने तो ये देखा है कि जो ऐसे लोग कर रहे होते हैं, शायद वो कहीं और जाके कुछ खा रहे हो, हु नहीं नोस, नहीं अमीर क्वारंटाइन तो में भी रहे ना होगा। 15 दिन तक. तो क्वारंटाइन में अकेले रहे, किसके साथ रहे? कैमरा नहीं, कैमरा कैमरा था उन पे. हारिस था 24/7। हाय हारिस। भाई. हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, प्रहलाद जानी। हाउएवर द फाइंडिंग्स, हाय, हाँ हाँ ये इसका गुजरात मैं हॉस्पिटल में दिखाता हुई हूँ है कि इनपे क्या हो रिसर्च. रहा है प्रहलाद जानी के ऊपर। हाउएवर द फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस ऑन हिम हैव बीन केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड व्यूड विद स्केप्टिसिज्म। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या है? द ऑब्जर्वेशनल स्टडीज वर वन इन 2003 एंड वन इन 2010, बोथ इन्वॉल्विंग सुधीर शाह, अ न्यूरोलॉजिस्ट इन अहमदाबाद। ओके चले ठीक है, आगे देखते हैं। हु हैड स्टडीड पीपल क्लेमिंग टू हैव एक्सेप्शनल एबिलिटीज इंक्लूडिंग अदर फास्टर सच एज हीरा रतन मानिक। इन बोथ केसेस द इन्वेस्टिगेटर्स इन्वेस्टिगेटर्स कंफर्म्ड जानीज एबिलिटी टू सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर, वेरी गुड, ड्यूरिंग द टेस्टिंग पीरियड। अब आगे हाउएवर सुन लें। हाउएवर नाइदर स्टडी वॉज सबमिटेड टू साइंटिफिक जर्नल, नाइदर स्टडी वॉज, अब ये साइंटिफिक जर्नल में तो डाला ही नहीं गया। व्हेन क्वेश्चन अरे 6 डेज, एक सेकेंड, व्हेन क्वेश्चन 6 डेज इनटू द 2010 एक्सपेरिमेंट, द डीआरडीओ स्पोक्सपर्सन अनाउंस दैट द स्टडीज फाइंडिंग्स वुड बी कॉन्फिडेंशियल अंटिल द रिजल्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड। द स्टडीज फाइंडिंग्स उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखी, उन्होंने स्टडीज फाइनल दी नहीं है सामने। They've just confirmed कि he has exceptional ability. तो ये ये कौन सी मेरे स्टडी है रिलेटिव के भाई? 5 दिन रह भी चुके हैं सर, और रह नाइनटीन नाइनटी चुके टू हैं, में. और पांच छह दिन, पांच लोग 3-3 हफ्ते रह जाते हैं खाने के बगैर। बट ये जो फाइंडिंग्स की जो आप बात करेंगे, उनका वेट ना बढ़ा, उन्होंने तो कोई फाइंडिंग कहीं पे पब्लिक की नहीं है। रिकॉर्डिंग है इनकी यूट्यूब. नहीं रिकॉर्डिंग क्या, आपने सारी 8 घंटे की, 8 दिनों की रिकॉर्डिंग आपने पूरी देखी है? अब उसकी फाइंडिंग क्या है? उसके बाद उसकी फाइंडिंग किधर है, किधर है उसकी फाइंडिंग? गुजरात हॉस्पिटल में है. नहीं है ना, नहीं पब्लिक की ही नहीं है कभी, कॉन्फिडेंशियल, हैज बीन केप्ट कॉन्फिडेंशियल। क्यों आप लोग लोगों को बोंगा बनाने आ जाते हैं, इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाते हैं आप लोग? आप पता नहीं क्या पढ़ के आ जाते हैं और क्या ड्रामेबाजी है। आपने कहीं से किसी पादू की आपने बात सुन ली नहीं किसी नहीं सर, साधु मेरे की, रिलेटिव के रह चुके और रिलेटिव आपके रह 5 दिन. चुके, और 5 दिन, और मैं भी 5 दिन रह लूं, बड़े बड़े लोग, आई शुडंट बी अलाइव, एक टीवी सीरियल, वहां पर बड़े बड़े लोग 3-3 हफ्ते खाने के बगैर रह जाते हैं, दिट्स नो बिग डील। जो आप ये बात कर रहे हैं कि साइंटिफिक जर्नल किधर है, किधर है साइंटिफिक जर्नल? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं ना, एक स्टोरी आई थी थोड़े अरसे पहले ही कि लोग एक कबर पे जा रहे थे, उस कबर के अंदर से आवाजें आ रही थी, और वहां जा जाके वो लोग दुआएं मांग रहे थे कि हाय कब्र में से आवाजें आ रही हैं, दुआएं मांगो, आपकी दुआएं पूरी होंगी। और लोग डर भी रहे थे हाय कब्र का अजाब। बाद में पता चला कि वहां पे बंदे ने अंदर कब्र के अंदर जो है एक रूम बनाया हुआ था, वहां पंखा रखा हुआ था, वहां पे उसने
अपने टीवी भी रखा था, कूलर रखा हुआ था, वहां से बैठ के वो आवाजें निकाल रहा था। मालेज गौर तो, इस तरह की ड्रामेबाजियां लोग इतनी करते हैं। वो एक पता नहीं एक टीवी पे आया था, एक बाबा गोरखन आया था, वो कहता मुझे कब्र में से, वो कब्र खुल गई किसी तरह किसी तूफान की वजह से, तो मुझे उसमें उसमें से वो खुल गई कब्र और उसमें से एक औरत बैठी हुई थी, उसने मुझे सेब दिया कि जन्नत का सेब है और इसको खाएं। वो कहता मैंने खा लिया। ही गेव दिस इंटरव्यू। ये तो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और ये लोग बेवकूफ बनने के लिए तैयार बैठे हुए इनको। आप लोग चैनल पे एक मौलवी, बुद्धा का मौलवी आया था, बुद्धिज्म का मौलवी, उसने एक बहुत मतलब पोंगिया मारी। नहीं वो बुद्धा, वो इज नॉट अ बुद्धा। नहीं आप बात ना बदलें, एक सेकंड आप बात ना बदलें। ठीक है ठीक है, आप बात ना बदलें, आप सुन तो लें। नहीं नहीं ठहर जाओ ना यार, एक सेकंड, आगे क्यों जा रहे हो, अब इधर फौरन ही कल्टी बदल देते हो। मुझे आप ये बताएं कि जब आप इस तरह के बड़े बड़े साइंटिफिक क्लेम करते हैं, बड़े इस तरह की मिस्ट्रीज हैं दुनिया में, और मुसलमान कहते हैं कि वहां पे आबे जमजम का पानी कैसे अभी तक आ रहा, कभी किसी साइंसदान को घुसने नहीं दिया। अभी जो स्टडी की जो आप बात कर रहे हैं, ये जो अहमदाबाद की जो हुई है, हालांकि मैंने इस पर भी स्केप्टिक ही होना था, लेकिन उन्होंने स्टडीज पब्लिश ही नहीं की और उन्होंने साइंटिफिक जर्नल में डाली नहीं, क्योंकि डालो जरा किसी इंटरनेशनली रिप्यूटेड साइंटिफिक जर्नल में, आपके जो प्रोफेसर थॉमस है या प्रोफेसर जॉन है, वो आपके रामू काका की प्रोफेसरी को ऐसे निकाल के फेंकेगा बाहर, आप फिर होने लग जाएंगे। हमारे डॉक्टर चोमू नहीं है सर, हमारे डॉक्टर चोमू ही है आपके यार, ऐसे चोमू ही है। क्यों नहीं उन्होंने साइंटिफिक जर्नल में क्यों नहीं डाला, उन्होंने बताए ना। आपको बनाया जा रहा है और आप लोग बिलीव कर लेते हो, हाय ये हो गया, मैं भी एक दिन करूंगी इसी तरह का नाटक, फिर देखते हैं यार। ऑनेस्टली आप लोग इतने जल्दी बेवकूफ बन जाते हो, जब भी तो लोग पैसे कमा रहे हैं बैठ कर अच्छी लगती है। यही बातें मेरे भाई मुसलमान कहते हैं कि हमारे आबे जमजम में पानी अभी तक कैसे निकला चला आ रहा है, वहां पे तो सहरा है, और वो मान जाते हैं। वो कहते हैं आज तक कभी खाना काबा के ऊपर से जहाज नहीं उड़ पाता, तो पता नहीं कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालते हैं और वो बताते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसको लाखों लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं वो, क्यों नहीं आपके साधु जी की बात करते? इसलिए क्योंकि उनको उसमें इन्फिनिटी नहीं है, उनकी एफिनिटी नहीं है इसमें, और आपकी एफिनिटी इसमें है क्योंकि आप इंडिया में पैदा हुए हैं, आपको ये चीजें मिरेकल्स, इस तरह के अपने साधुओं के मिरेकल्स आपको अच्छे लगते हैं। अच्छा ठीक है, इंडिया का तो चलो छोड़ो, लेकिन फॉरेन में भी जैसे बाबा वेंगा जो हंगेरियन थे और नासनदमा जो वहाँ के यूरोपियन थे, और एक बच्चा इंडिया का भी है साउथ इंडिया का, ये सब लोग इतनी करेक्ट प्रेडिक्शन कैसे करते हैं? नहीं प्रेडिक्शन मेरे भाई, उनसे बोलो कि मालिक की प्रेडिक्शन करके बताओ कि अगली दफे किसको पे लेगी, जाओ उसको हाथ दिखाने का बड़ा शौक होता है, तो ओशंस जो उसका जो मेन, मुझे उसका नाम भूल गया, एंडी गार्सिया ने जो कैरेक्टर प्ले किया था बेनेडिक्ट का, जिसको उन्होंने लूटा था, तो वो उनको ढूंढता फिर रहा होता है कि भाई ये कहां, किन्होंने मुझे लूट लिया, तो वो जाता है उसको वहां पे पकड़ता है जहां पे वो अपना हाथ दिखा रहा होता है, तो वो हाथ उसके हाथ में ही हाथ होता है, वो कहता तुझे ये नहीं पता था कि ये आ जाएगा मेरे सर पे। वो इस तरह के जोक उन्होंने बड़े मारे हुए हैं। अरे हारिस, आई स्पेंट, हमें याद है मैं क्यूबा गई थी विद माय एक्स ना, तो वहां पर हमने वो कार्ड रीडिंग हो रही थी ना, तो वो कार्ड रीडिंग करके उसने क्या पुंगिया मारी, हो ये बंदा तुम्हारे लिए ये करेगा तो वो करेगा, $20 खैर मेरे तो नहीं थे, उसके थे, जाया हो गए, वो कोई प्रेडिक्शन नहीं थी। ये भाई ये कह रहे हैं कि भाई विकिपीडिया इज नॉट रिलायबल, क्यों भाई रिलायबल क्या, दिखाओ ना आप, हमें जाके ढूंढ के कहीं से दिखा दो साइंटिफिक कहां पे आए। कह रहे थे, मैं देख रही थी किसने, अरे वो जो नए वो नहीं, उनकी तो मैंने ली नहीं अभी तक क्लास, अरे वो जो चश्मुली थी उसको तो मैं भूल ही गई, कितनों की क्लास लूं, इतने लोग पढ़ गए हैं, वो जो बड़ा चैनल नहीं है, क्या नाम था वो चैनल जिसने हम पे वीडियो बनाया, वो पेशाब से कैंसर क्योर हो गया है, तो एक काम करो भाई, इतने जो तुम लोग मिलियंस ऑफ डॉलर डोनेशन में ले रहे हो कैंसर रिसर्च के इंडिया में बैठ के, तो बंद करो ना, क्यों लूट रहे हो लोगों को इस नाम पे,
कैंसर के वो इलाज निकल आया उसको पेटेंट करके पूरी दुनिया में भेजो कि गाय का पेशाब, नहीं वो गाय का पेशाब पेटेंट किया मैंने उन्होंने, और इनको ये नहीं पता मैं कैंसर तो नहीं हील हो रहा ना, कुछ भी नहीं हो रहा ना, वो पेटेंट यूजलेस पड़े हुए, इस तरह के लाखों पेटेंट्स यूजलेस पड़े हैं। संजय दीक्षित की अक्ल का ये इलाज है, वो कहता है आप इनसे काय ऊंट के पेशाब की बात कर लें, हमारे तो फिर हजारों अमेरिकन ने पेटेंट किए, आज मैंने वो पेटेंट की लिस्ट खोली, वो उनकी सारे रामू काका बैठे हुए थे बीच में, कोई एक गोरा नहीं था। एमएलपी पियो, ये तो वही दिमाग इनका खराब इतना, मैं आई स्वेयर टू गॉड कि मेरे ख्याल से गांव के पेशाब में कोई फायदे नहीं है, उल्टा आप लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में ना जंग लग रहा है, एसिड होता है पेशाब में, और वो एसिड आप लोगों के दिमाग में जा रहा है और वो खर खर करके उसको ना खत्म कर रहा है, और आप लोग ऐसी ऐसी चूतिया पे ही फिर बातें करते हो, फिर हमसे कहते हो बोलो भी नहीं ऑन टॉप ऑफ इट, लाइक हमको तो दिख रहा है ना, आप लोग पीना बंद कर दो, आप लोगों को वाकई में अफेक्ट हो रहा है, आपके लिए ब्रेन सेल्स जो है ना वो रिड्यूस हो रहे हैं, कैंसर को बंदी ने कह दिया कैंसर क्योर हो गया, अब हम कोई कैमल को भी नहीं कहते किसी को ओके सही है नहीं, कैमल पेशाब पी रहे हाँ हाँ बड़ी अच्छी चीज है, पियो पियो भैया, कोई मंकी का पेशाब पिएगा तो मैं उसको भी बुरा बोलूंगी, ठीक है ना, कोई किसी पे ऊपर पेशाब करेगा तो वो भी बुरा बोलूंगा, उसका भी मजाक उड़ाएंगे। यासिर खान कह रहा है किस हजरत मोहम्मद को बिठाया हुआ है यार, शर्म नहीं आती हजरत मोहम्मद को गालियां दे रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए यार आपको, मोहम्मद जी उन्होंने यार देखो इतना हैंडसम हजरत मोहम्मद अगर ऐसे होते हैं ना तो उन्होंने जितनी शादियां की उससे तीन गुना ज्यादा कर देनी उन्होंने।